ओपन एआई टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट करता है जा रहा है, हर वीक तो कोई ना कोई अनाउंसमेंट आ जाती है। अभी हम फोर ओ को यूज करना सीख ही रहे थे कि उसका अलग अलग क्या क्या किस तरह से फीचर्स यूज कर सकते हैं, तो इन्होंने साथ के साथ चैट जीपीटी एडू को अनाउंस किया है। मतलब कि हम एजुकेशन पर्पज के लिए यूज तो कर रहे थे चैट जीपीटी का, लेकिन कुछ लिमिटेड एक्सेस के साथ है, तो इन्होंने फोर ओ के साथ ही अनाउंस किया है चैट जीपीटी एजुकेशन को, एडू को। तो जो आपकी जो रिसर्च है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इसको यूज कर रही हैं, तो मतलब आपकी जो रिसर्च को अफोर्डेबल बनाने के लिए ही चैट जीपीटी एडू को अनाउंस किया है। कुछ बहुत सारे अलग अलग फीचर्स इसमें ऐड किए हैं। तो पहले कौन से फीचर्स ऐड होते थे, किस प्रकार चैट जीपीटी का यूज हुआ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने यूज किया है, और अभी ऐड क्या क्या किए गए हैं, तो हम इसमें बताएंगे आपको, और ये जो शेयर करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन सारी, सारे जो इन्होंने आर्टिकल में सारा इसका रिव्यू करेंगे हम इसकी, जो ये चैट जीपीटी ऐड हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमने चैट जीपीटी 4o के साथ ही चैट जीपीटी एडू को अनाउंस किया है। ये आपको टेक्स्ट विजन यूज एडवांस्ड टूल सच एज डेटा एनालिसिस आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। पहले वाला नहीं करवाता था, तो फ्री वर्जन था। इसमें फ्री वर्जन के साथ आप टेक्स्ट विजन और जो डाटा एनालिसिस करवा पाओगे, लेकिन उसका एक्सेस लिमिटेड होगा। पेड ले सकते हो, लेकिन आप डेली थोड़ा बहुत अगर यूज करते हो, तो अभी इन्होंने फ्री वर्जन में ये ऐड कर दिए हैं। डाटा एनालिसिस से लेकर जो इनका वॉइस वॉइस असिस्टेंट है या फिर जो टेक्स्ट और विजन है, ये इन्होंने ऐड कर दिए हैं। ये इन्होंने मतलब के ये इन्होंने लॉन्च क्यों किया है, स्पेशल एजुकेशन के नाम से क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो एआई का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रही थी। जिसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, वाटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी ने जो हैविंग चैट जीपीटी इंटरप्राइज, मतलब सभी ने एआई का कुछ ना कुछ तरीके से यूज किया है। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि सबसे पहले एक यूज किया गया, जैसे प्रोफेसर नबीला एल बैसेल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, उन्होंने अपना एक खुद का जीपीटी बनाया है। वो एनालिसिस करेगा सिंथेसाइज लार्ज डाटा सेट्स टू इन्फॉर्म इंटरवेंशन रिड्यूसिंग वीक्स, जो वीक्स का काम मतलब हर जो मतलब सप्ताह का काम आपको 1 सेकंड में करके दे सकता है। जो मतलब कि आपके जो बड़े बड़े डाटा सेट्स हैं, जो बड़े बड़े उनके इंटरवेंशन होती हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा ये। और बाकी देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी अगला जो इन्हें एग्जाम्पल बताया वो है कि अंडर ग्रेड एक एमबीए स्टूडेंट है, जो प्रोफेसर एथन मॉलिक कोर्स में, उसने अपना अपना जीपीटी बनाया, मतलब जीपीटी बनाया जो असाइनमेंट के थ्रू डिस्कस कर सकता है, जितने भी असाइनमेंट होते हैं उनके थ्रू डिस्कस कर सकता है, आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता है, और जो उनके लैंग्वेज को है सरल बना सकता है। एक यहाँ पर यूज हुआ है। और एक है कि क्रिस्टियन रेवेस, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लैंग्वेज बड़ी जीपीटी बनाया है। मतलब जो अलग अलग लैंग्वेज में कुछ कुछ रिसर्च आती हैं और उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसी को मतलब लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए ही जो अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपना अपना जो जीपीटी बनाया और उसको जो मतलब लैंग्वेज अपनी खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा दी सभी रिसर्च, और उनको अच्छी तरह से स्टडी किया। तो इसी को देखते हुए ही इन्होंने ये जो अपने इसमें चैट जीपीटी 4o के साथ चैट जीपीटी एडू को अनाउंस किया है, कि मतलब थोड़ी बहुत हम फ्री वर्जन का यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने मतलब के और क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं, जो पहले बताया कि मैंने टेक्स्ट विजन और डाटा एनालिसिस से भी ये जो एडवांस हैं, देखते हैं चलो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि सबसे पहला इन्होंने जीपीटी 4 तो ये बता ही दिया है, और जो फ्लैगशिप मॉडल इन्होंने अभी लॉन्च किया है उसका आप यूज कर पाओगे टेक्स्ट को, कोडिंग को और मैथमेटिक्स को। अभी दूसरा है कि एडवांस्ड कैपेबिलिटीज सच एज डाटा एनालिटिक्स, वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट समराइजेशन। अगला है एबिलिटी टू बिल्ड जीपीटी, आपका खुद का जीपीटी बना सकते हो फ्री वर्जन में। पहले पेड वर्जन होता था, फ्री वर्जन में खुद का जीपीटी बना सकते हो। लिमिट एक्सेस होगा, थोड़ा बहुत हल्का बनेगा, लेकिन आप उसका बना सकते हो फ्री वर्जन के साथ। कस्टम वर्जन ऑफ जीपीटी शेयर विद देम यूनिवर्सिटी वर्क स्पेस। सिग्निफिकेंटली हायर मैसेज लिमिट, लिमिट बढ़ा दी गई है पहले जो फ्री वर्जन में। इंप्रूव्ड लैंग्वेज कैपेबिलिटी अक्रॉस क्वालिटी एंड स्पीड विद 50 लैंग्वेज, और इन्होंने 50 लैंग्वेज को ऐड किया, मतलब 50 लैंग्वेज के सपोर्ट के साथ आप इसका चैट जीपीटी एडू का यूज कर सकते हो। और इन्होंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या क्या किया है, मतलब कि अगर आप रिसर्च करते हो, अपनी खुद की रिसर्च के बारे में कुछ डिस्कस करवाना चाहते हो एआई के साथ, कहीं आपके मतलब रिसर्च चोरी ना हो जाए, इसका गलत मिसयूज ना हो जाए, तो इन्होंने ये कंट्रोल ग्रुप बनाया, परमिशन लेनी पड़ेगी एसएसओ एससीएन जीपीटी मैनेजमेंट, ये इन्होंने सिक्योरिटी ऐड की है। और बाकी जो जो एआई है खुद के साथ ट्रेन होता रहता है जब हम उसके साथ कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये जो आप रिसर्च है, जो एजुकेशन में चैट जीपीटी एडू में यूज करोगे, तो ओपन एआई उनको मतलब उनके साथ ट्रेन ना ही होगा। इन्होंने खुद ही बताया कि कन्वर्सेशन एंड डाटा आर नॉट यूज टू ट्रेन ओपन एआई मॉडल्स। तो ये भी जितना भी डाटा है वो चैट जीपीटी को ट्रेन नहीं करेगा, बस आप अपने रिसर्च पर्पज के लिए ही इसका यूज कर पाओगे, और बहुत अच्छी तरीके से। मतलब इन्होंने कुछ फ्री वर्जन के साथ ही ऐड किया है, और जो इतना यूज हो रहा है
तो उसके लिए ही इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो मतलब चैट जीपीटी एडू इज डिजाइन फॉर स्कूल्स दैट वांट टू डिप्लॉय एआई मोर ब्रॉडली टू स्टूडेंट्स एंड देयर कैंपस कम्युनिटीज। तो बहुत अच्छा है कि आप थोड़े बहुत और फ्री वर्जन के साथ आप यूज कर सकते हो, अगर पेड लेना चाहता हो, अगर आप थोड़ा बहुत उसको समझना स्टार्ट हो चुके हो तो आप पेड भी ले सकते हो। और बाकी ये जो अनाउंसमेंट आते रहते हैं इसके बारे में हम आपको ऐसे अपडेट करते रहेंगे। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी एडू की, तो बताना, और जाते जाते फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।